हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम अभ्यास करेंगे संस्कृत रुचिरा पंचादश पाठ पहेली का। आइए जानते हैं कि पहेली का क्या है। पहेली का यानी कि पहेलिया। पहेलिया मनोरंजन का एक प्राचीन विधा यानी कि तरीका है। ये लगभग सारे संसार में सभी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ हमें आनंद देने के साथ साथ हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्र बनाती है। इस पाठ में संस्कृत की पहेलियाँ यानी कि जो पहेली का दी गई है वो पहेली बुझने के साथ साथ ही कुछ रोचक उदाहरण भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं। आइए जानते हैं और हमारे ज्ञान की वृद्धि करते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् कोहंती करिणाम कुलम किम कुरियात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहा पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात् यानी कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृग से। कोन हंती करिणाम कुलम यानी कि कौन हाथियों के समूह को मार देता है? सिंह। किम कुरियात कातरो युद्ध यानी कि कमजोर व्यक्ति युद्ध में क्या करते हैं? भाग जाते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर पंक्ति सह इसका अर्थ दिया गया है। कैसे, आइए जानते हैं। अंतिम चरणे क्रमशः त्रयाणाम प्रश्नानाम त्रिभी पदे ही उत्तरम दत्तम यानी कि अंतिम चरण के तीनों पदों यानी कि तीनों शब्दों में इसके उत्तर दिए गए हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् तो उसका उत्तर अंतिम पद का प्रथम चरण मृगात् कोहंती करिणाम कुलम यानी कि उसमें अंतिम चरण का प्रथम अक्षर सिंह, और किम कुरियात कातरो युद्धे उसमें अंतिम चरण अंतिम पद का अंतिम चरण पलायते। तो इसी तरह से पद सह इसका उदाहरण दिया गया है। उसके बाद दूसरी प्रहेलिका देखते हैं। सीमंती नि सुखा शांता राजा को बुध गुणोत्तम विद्वद भी का सदा वंद्या अत्रे वोक्तम न बुध्यते यानी कि सीमंती नि सुखा शांता, नारियों में कौन सबसे अधिक शांत स्वभाव वाली है? सीता। राजा को बुध गुणोत्तम यानी कि कौन सा राजा गुणों में उत्तम है? राम। विद्वद भी का सदा वंद्या यानी कि विद्वानों के द्वारा हमेशा वंदना करने के योग्य कौन है? विद्या। अत्रे वोक्तम न बुध्यते यानी कि यहीं पर दिया गया है लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। कैसे, देखो बच्चों, इस प्रहेलिका में इसके साथ साथ ही इसका उत्तर दिया गया है लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। कैसे, आइए देखते हैं। द्वितीय प्रहेलिका। प्रथम द्वितीय तृतीय चरणेशु प्रथम वर्णस्य अंतिम वर्णेन संयोगात उत्तरम प्राप्यते यानी कि पहले दूसरे और तीसरे चरणों के प्रथम और अंतिम वर्ण के मेल से बने शब्द ही उत्तर है। देखो सीमंती नी सुखा शांता यानी कि सीता, इसका जवाब आएगा कि भाई स्त्रियों में कौन सबसे शांत है, तो पहला अक्षर सी और लास्ट वर्ड ता, सीता। राजा को बुध गुणोत्तम पहला अक्षर राम और लास्ट अक्षर म, राम। विद्वद भी का सदा वंद्या पहला अक्षर वी लास्ट वर्ड द्या, विद्या। सीता राम विद्या, तो यहीं पर पहला वर्ड और लास्ट वर्ड उसी में पूरे का पूरा आंसर आ गया है। इसीलिए अंतिम पंक्ति में कहा गया अत्रैव वोक्तम न बुध्यते यहीं पर दिया गया है लेकिन आपको थोड़ी आपके माइंड को थोड़ी एक्सरसाइज करवानी होगी इसके लिए। आइए दूसरी पहेली का देखते हैं। कंसन झघान कृष्ण काशी तलवाहिनी गंगा केदार पो शरणता कम्बलवंतम न बाधते सीतम। कंसन झगान कृष्ण यानी कि कृष्ण ने किसे मारा? उत्तर है कंस को। काशी तलवाहिनी गंगा यानी कि शीतल यानी कि ठंडी धारा वाली गंगा को बहाने वाली जगह कौन सी है? काशी। केदार पोषरणता यानी कि पत्नी सहित बच्चों के पालन पोषण में कौन लगे रहते हैं? खेती काम के संलग्न ऐसे किसान। कम बलवंतम न बाधते सीतम अर्थात किस बलवान को ठंड कष्ट नहीं देती, कंबल वाले व्यक्ति को।
आइए इस प्रहेलिका को समझते हैं। प्रत्येकम चरणे प्रथम द्वितीयोः प्रथम त्रयाणां वा वर्णानां संयोगात् तस्मिन् चरणे प्रत्युत्तस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्यते, यानी कि प्रत्येक चरण के प्रथम दो या प्रथम तीन वर्गों को मिलाने से उस प्रहेली का उत्तर मिलेगा। देखो कंसन जगा न कृष्ण, पहले दो वर्ड कम सम, उत्तर आ गया कंस। काशी तलवाहिनी गंगा काशी, पहले दो अक्षर, उत्तर आ गया काशी। केदार पोषरणता केदार, पहले तीन अक्षर केदार आ गया। उसके बाद कम्बलवंतम न बाधते सीतम, कम्बलवंतम पूरा वर्ड मिक्स कर दिया कम्बलवंतम, तो उसका उत्तर मिल गया। यही है संस्कृत भाषा की रोचकता महानता। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं बिभ्रन्ना न घटो न मेघ। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजी, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है फिर भी पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन आंखों वाला है तो भी हाथ में त्रिशूल धारी ऐसे शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल रूपी वस्त्र को धारण करने वाले है फिर भी तपस्वी कोई साधक नहीं है। जलम बिभ्रन्न न घटो न मेघ, यानी कि जल को अंदर धारण करने वाला है फिर भी घड़ा नहीं है या नहीं तो बादल, तो इसका आंसर आएगा नारियल। चतुर्थ प्रहेलिका यह उत्तरम नारियल, यानी कि अंतिम चरण के तीनों पद शब्द को पहेली में दिए गए प्रश्नों के उत्तर है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद की पंक्ति देखते हैं। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्त कस्य वेसुत कथं विष्णु पदं प्रोक्तं तकरं सकरस्य दुर्लभम्। देखो यहाँ पे क्या गया कहा गया, और भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए छाछ। जयन्त कस्य वेसुत, निश्चित रूप से जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का है पुत्र जयंत, इंद्र के पुत्र का नाम है जयंत। कथं विष्णु पदं प्रोक्तं, यानी कि भगवान विष्णु का स्थान स्वर्ग यानी कि मोक्ष कैसा कहा गया है, दुर्लभ, स्वर्ग की प्राप्ति तो दुर्लभ है सब मनुष्य के लिए, यानी कि कठिनाई से प्राप्त करने के योग्य। तकरम सकरस्य दुर्लभम, और जो छास है वो इंद्र के लिए दुर्लभ है ऐसा यहाँ पे कहा गया है। लेकिन यहाँ पर अंतिम पंक्ति में ऊपर के तीन पंक्तियों के अर्थ दिए गए है, आइए देखते हैं। अंतिम चरणे क्रमशः त्रयाणां प्रश्नानां त्रिभिपदे ही उत्तरं दत्तम्, यानी कि अंतिम चरण के तीनों पदों यानी कि तीनों शब्दों में पहली के तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए है। कैसे, भोजनान्ते च किं पेयम्, भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए, तकरम यानी कि छास। जयंत कस्य वेसुत, यानी कि जयंत किसका पुत्र है, सकरस्य यानी कि इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, यानी कि मोक्ष की स्वर्ग की प्राप्ति विष्णु लोक की प्राप्ति कैसी है, दुर्लभम तकरम सकरस्य दुर्लभम। तो ऐसी है संस्कृत की सारी प्रहेलिका जिससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है और हम आनंदित भी रहते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये प्रहेलिका चैप्टर पढ़ने में मजा भी आया होगा। धन्यवाद।